सभी जानते हैं कि मास्क हमारी त्वचा के सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, मगर त्वचा अगर ढंग से सांस ना ले पाए तो आपको उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी कदम भी उठाने होंगे। मास्क पहनने के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी स्किन के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होता है। लंबे समय तक मास्क पहने रहने से कई समस्याएं हो सकती है, जैसे अगर मास्क बहुत ज़्यादा टाइट हो तो चेहरे की त्वचा डैमेज हो सकती है। वही संवेदनशील त्वचा वालों को मास्क एरिया पर एक्ने की समस्या हो सकती है। विशेष रूप से हेल्थ केयर से जुड़े प्रोफेशनल्स को लंबे समय तक और टाइट मास्क पहने रहना पड़ता है, जिस वजह से मास्क की जगह पर लाल धारियां उभर जाती है, इरिटेशन होता है, वहां की त्वचा डार्क हो जाती है, पिंपल्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर त्वचा को ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो बार बार मास्क का फैब्रिक रगड़ने से त्वचा के सेंसरी नर्वस डैमेज हो जाते हैं, त्वचा में सूजन आ जाती है, चेहरे की त्वचा लाल हो जाती है। इसके अलावा मास्क के अंदर नमी होती है, पसीना, म्यूकस और गंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मास्क के एरिया में एक्ने होने के लिए इतने कारण पर्याप्त है। आमतौर पर मास्क के चलते माइल्ड से लेकर मॉडरेट एक्ने होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ज़्यादा टाइट मास्क ना लगाकर हम ढीले मास्क का प्रयोग करें।